आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ईशा न्यूज नेटवर्क। मैं हूं अरशद डार और प्रोग्राम चल रहा है खास बात। खास बात के आज के शुमारे में हमारे साथ तशरीफ फरमा है संदीप बक, SDPO सदर। इनसे बात करते हैं, आपका बहुत बहुत खुशामदीद हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। सबसे पहला जो मेरा सवाल आपसे होगा, पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं कि आपने जो आपका जो एरिया आता है बागात, यहाँ एजुकेशन हब जिसे कहा जाता है जी, और यहाँ पे अक्सर लोगों की शिकायत होती है, चाहे यहाँ से गुजरने वाले हो यहाँ रहने वाले हो, जो स्टंट बाइक राइडर्स होते हैं, जो आज के नौजवान बाइकों पे स्टंट करते हैं और अपनी जान के साथ खेलते हैं, कुछ अरसे से आप उन पर हावी हो गए और सख्ती से पेश आने लगे हैं, उस मुहिम के बारे में बताइए। ये जो स्टंट बाइकर्स आप कह रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिर्फ अपना जान को एंडेंजर नहीं कर रहे, जो पेडेस्ट्रियन हो या दूसरा भी पब्लिक चल रही हो वहां पे, उनकी भी लाइफ को एंडेंजर करते हैं। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो मतलब JKP की तरफ से, मतलब ये तो हमारी ड्यूटी है, कोई खास मुहिम नहीं शुरू की गई है, इट्स अ प्रोसेस जो डेली चलती है। सो मतलब पास्ट हमने थोड़ा सा इसको बढ़ावा दिया है ज्यादा, दैट्स इट, अदरवाइज इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। फिलहाल इसको रोकने के लिए आपकी तरफ से क्या स्ट्रेटेजी आपने अपनाई है? स्ट्रेटजी यही है, जो ये रोग एलिमेंट्स हैं, ये जो स्टूडेंट्स स्टंट बाइक्स करते हैं, जो बाइक्स मॉडिफाई करके दूसरों की लाइफ एंडेंजर करते हैं सड़कों पे, उनको हम डिटेन करते हैं। इफ दे हैव वैलिड डॉक्यूमेंट्स, जो भी प्रोसीजरल लॉ है उनके, उसमें वी टेक केयर ऑफ दैट। तो कोर्ट चालान करेंगे तो कोर्ट से रिलीज करवा लेते हैं वो बाइक्स, बट हमारी कोशिश यही है कि इनके पेरेंट्स को भी बुलाया जाए, उनको भी काउंसलिंग दी जाए कि आपके जो बच्चे हैं आप उनको खुद ही समझाएं कि ट्रैफिक लॉज और आर नॉट ओनली फॉर योर ओन सेफ्टी बट फॉर द सेफ्टी ऑफ अदर्स एज वेल। आपने खुद कहा कि आप बाकायदा चलान करते हैं, चाहे कोर्ट चलान हो, आप बाइक सीज करते हैं, लेकिन बाद में कोर्ट चलान के जरिए अपनी बाइक को छुड़ा लेते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जिससे ये थोड़ा सबक भी सीख सके और एक सही तर्ज अमल पे काम हो? जी देखिए, इसमें पेरेंट्स को, टीचर्स को लीड लेनी होती है, बिकॉज वी कैन नॉट डू मॉरल पुलिसिंग। मतलब हम, वी कैन नॉट अननेसेसरी डिटेन बाइक्स। इफ अ पर्सन हैज वैलिड डॉक्यूमेंट्स, ही हैज एवरी राइट टू राइड हिज बाइक, बट एट द सेम टाइम ही हैज टू मेक श्योर कि वो अपनी जान के साथ खिलवाड़ ना करे और साथ ही में किसी दूसरे की जान को नुकसान ना पहुंचाए। तो ये चीजें घर पे शुरू होती है, दीज थिंग्स शुड बी इनकल्केटेड इन द चिल्ड्रन फ्रॉम देयर टेरेंट पेरेंट्स, टीचर्स, पेयर्स, हु एल्स। तो लोगों को इसमें खुद ही आगे ये करना है। तो हम लोग इनको ज्यादा ये नहीं कर सकते, डिटेन नहीं कर सकते, बिकॉज दैट विल बी आउट ऑफ मतलब लॉ का, दैट विल बी इलीगल बेसिकली। क्या इसके बारे में कोई लॉ है आपकी लॉ बुक में कि स्टंट बाइक राइडर्स के लिए एक मखसूस कोई लॉ है जिसके तहत आप इन पर कार्रवाई कर सकें? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें नेग्लिजेंट ड्राइविंग है, डेंजरस ड्राइविंग है, क्लॉजेज है हमारे पास, वी बुक देम अंडर रेलेवेंट सेक्शंस। तो हम कोशिश कर रहे हैं, बट मेन है कि इससे लोगों, बच्चों को समझाया जाए कि इससे क्या प्रॉब्लम्स हैं। वो अगर कर, जो हम कहते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो आजकल के नौजवानों को अगर हम सख्ती से पेश आए तो वो थोड़ा सा नागवार गुजरता है हम पे भी। तो मेन फोकस यही है कि हम उनको पकड़ के यहाँ काउंसलिंग कराया जाए, उनके पेरेंट्स को अवेयर कराए कि आप भी बच्चों को ट्रैफिक रूल्स जो है शमूलियत है रोजमर्रा की जिंदगी में। कितना मुश्किल लगता है आपको, क्योंकि ये जो आपका एरिया है बागात एरिया की बात करेंगे, बड़ी हो रहा है हैदराबाद तक, इसमें इतने एजुकेशनल हब्स हैं आप गिन भी नहीं सकते, उसमें कितना रोल है आपको खुद भी पता है, उतने रोल में से उतने सारे स्टंट राइडर्स को रोकना, उनको यहाँ पे काउंसलिंग करना, कितना मुश्किल लगता है? थोड़ा बहुत मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, हम कर रहे हैं, एंड वी हैव सीन, आपने भी देखा होगा काफी फर्क पड़ी है। मतलब इफ यू हैव नोटिस्ड, मुझे पिछले 10-15 दिन में कोई खास ऐसा स्टंट राइडिंग नहीं दिखी जब से गाड़ियां डिटेन शुरू हुई हैं यहाँ पे दोबारा से। तो फर्क तो पड़ता है, वी आर सीइंग नोटिसेबल चेंज, लोग भी खुश हैं, स्टूडेंट्स भी बाद में कहते हैं कि नहीं हमसे गलती हुई थी। आपने खुद कहा कि पेरेंट्स का एक अहम रोल इसमें बनता है, और जब आप यहाँ पे किसी, जब आप किसी को स्टंट राइडर को पकड़ते हैं, उसके पेरेंट को यहाँ पे काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं, उनका रिस्पॉन्स कैसा होता है, क्या वो गलती मानते हैं, या आपने ऐसे वालिदैन को भी देखा कि जो बाकायदा फिर अपने बच्चों को इस सब से रोकते हैं? जी डेफिनेटली, मेजोरिटी तो रोकते हैं, बट हाँ कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा अपने बच्चों की इस पे डिनायल में रहते हैं, बट हमने एक जो इसमें कोशिश है हमारी कि फोकस जो है पेरेंट्स पे रहे, तो वो हम कोशिश करते हैं उन्हीं पे डालने की, बिकॉज वी कैन नॉट बी मॉरल पुलिस, मतलब हम ये पुलिस नहीं कर सकते। जी जी, इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम होम।
क्या इसके अलावा भी काउंसलिंग क्लासेस आप शुरू करना चाहेंगे या इस तरह की कोई आप कोशिश करना चाहेंगे? चाहे चाहते तो हम बहुत कुछ है, बट आपको पता ही है कि यहाँ आज पता नहीं होता कल क्या होगा। तो कोशिश हमारी रहेगी डे टू डे, इट इज अ थिंग दैट इज इनकल्केटेड इन अस। तो ये कोई स्पेशल ड्राइव हम नहीं करते हैं। कोई लड़का हमें मिलता है नेग्लिजेंट ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग करता, तो भी काउंसलिंग ये डेली बेसिस पे है, कोई स्पेशल नहीं। जी जी, अभी तक तो हमने लड़कों की बात की, लेकिन लड़कों की एक शिकायत भी है कि पुलिस ज्यादा हावी होती है लड़कों पर ही, लेकिन अगर देखा जाए आज मार्केट में आपको काफी सारी लड़कियां भी ड्राइव करती नजर आएंगी, चाहे स्कूटीज हो चाहे बाइक हो और गाड़ियां भी हो, क्या उनकी तरफ भी आपका तवज्जो है? हमारा तवज्जो हर उस पे है जो रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग करता है, एंड टिल डेट मेरे नजर में तो नहीं गई कोई लड़की स्टंट बाइकिंग कर रही है या उसने बाइक ऐसी मॉडिफाई की हुई है। लॉ इज इक्वल फॉर ऑल इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, स्टेट, सेक्स। तो ऐसा तो है नहीं कि हम लड़कों पे, लड़के ही ज्यादा करते हैं बदमाशी स्टंट ड्राइविंग वगैरह, मैंने तो नहीं देखा ऐसा। एक और मुहिम पिछले कुछ दिनों से आपकी तरफ से, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से चल रही है, जो ऑर्फेनेज में आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं चाहे मुख्तलिफ चीजों की, उस हमारे से थोड़ा बताइए। ये इनिशिएटिव शुरू किया है हमारे वर्दी डीजीपी जेएमके डॉक्टर श्री एसपी वैद ने, कि जो हमारा एक एज अ सोसाइटी हमारा एक फर्ज फराइज है कुछ अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए, तो उसमें दिस इज द मिनिमम वी कैन डू। हम कोशिश करते हैं कि इस पाक महीने में लोगों को, बच्चों को स्पेशली जो अंडर प्रिविलेज क्लास है, इन तक वो जरूरी चीजें कपड़े और भी यूटिलिटीज पहुंचाई जाए, क्योंकि उन लोगों के पास उस चीज की खासा कमी है। तो ये छोटा सा इनिशिएटिव है, सो वी आर श्योर कि हम ये आगे भी करते रहेंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा फर्ज है जो हम अदा कर रहे हैं। आप आखिर में आपकी तरफ से, क्योंकि आप इस एरिया के सरपरस्त है, आपकी तरफ से जो यहाँ के यूथ है इस एरिया में खासतौर पे पढ़ते हैं या रहते हैं, उनके लिए क्या पैगाम होगा? मेरा यही पैगाम होगा कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, बट एट द सेम टाइम अपनी जान की हिफाजत करें, दूसरे की जान को खतरे में ना डालें, पढ़ाई पे ध्यान दें, खेल कूद करें, बट ये स्टंट बाइकिंग वगैरह थोड़ा सा इस पे रोकथाम होनी जरूरी है। बाकी इट्स अ फ्री वर्ल्ड, आप विद इन लॉ जो चाहे कर सकते हैं, हेलमेट पहने वो आपके लिए अच्छा है, फॉलो द रूल्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त में, हमें पता कि आप मसरूफ काफी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया। तो नाज़रीन थे संदीप भट्ट SDPO सदरिन से हमने आज बात की, जिन्होंने यूथ के हवाले से बात की, बाइक राइडर्स जो होते हैं स्टंट करते हैं उनके हवाले से बात की, पेरेंट्स की काउंसलिंग के हवाले से बात की, टीचर्स का कितना रोल बनता है उस हवाले से बात की। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम खास बात बेहद पसंद आया होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और शख्सियत लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़।